Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavikar and welcome to my channel Krishna Institute of Law. तो आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एक टॉपिक है फ्री कंसेंट. तो आज मैं आपको उस पर लेक्चर दे रही हूँ. फ्री कंसेंट में दो वर्ड यूज हुए, एक फ्री है और दूसरा कंसेंट है. तो सबसे पहले फ्री कंसेंट को समझने के लिए हमें कंसेप्ट का भी मीनिंग समझना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज कंसेंट. देखिए, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो मैंने आपको बताया था पहले अपनी वीडियो में कि उसमें दो पार्टीज होती हैं. एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है सेम सेंस में. तो कंसेंट का क्या मतलब होता है कि पार्टी जो पहली पार्टी है वो जिस चीज को ऑफर कर रही है दूसरी पार्टी भी उसको वही समझ के उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देती है. तो इस चीज को बोलते हैं कंसेंट. तो कंसेंट में क्या है, आपका आइडेंटिटी ऑफ माइंड होना चाहिए. इट मीन जो फर्स्ट पार्टी आपको कहना चाह रही है दूसरी पार्टी बिल्कुल उसी चीज को वैसे ही समझती है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ माइंड. और आइडेंटिटी ऑफ माइंड के बाद ही जब दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है ऑफर को, तभी माना जाता है कि हमारी कंसेंट पूरी हुई है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें एक बड़ा फेमस केस हुआ था, मैं उसके माध्यम से भी आपको बताती हूँ, बाला देवी वर्सेस मजूमदार का केस. तो कौन सा केस था, इसमें बाला देवी वर्सेस मजूमदार का केस. इसमें क्या हुआ, एक ओल्ड लेडी थी, वो इलिटरेट भी थी. तो एक बार उसके नेफ्यू ने क्या हुआ, उससे एक डीड पे साइन कराए. तो वो एक्चुअली में क्या थी, गिफ्ट डीड थी और उसने उसे साइन कर दिया ओल्ड लेडी ने. ओल्ड लेडी समझ रही थी कि ये गिफ्ट डीड नहीं बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी है. मैं अपने नेफ्यू को ये पावर दे रही हूँ कि वो मेरी प्रॉपर्टी की अच्छे से देखभाल कर सके. लेकिन एक्चुअली में क्या था, वो साइन पावर ऑफ अटॉर्नी को ना करके गिफ्ट डीड को कर रही थी. इट मीन्स उसकी जो डीड पे वो साइन कर रही थी वो उसके माइंड से मैच नहीं करता था. वो सोच रही थी मैं पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन कर रही हूँ और एक्चुअली वो गिफ्ट डीड पे साइन कर रही थी. तो माना गया कि यहाँ पे कंसेंट उस ओल्ड लेडी की नहीं थी. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये बिल्कुल गलत हुआ था, ये इनवैलिड है और वो वाली गिफ्ट डीड जो है फिर कैंसिल मानी गई. तो ये डिसाइड हुआ था बाला देवी वर्सेस मजूमदार के केस में. तो क्लियर हो गया कंसेंट आपको. कंसेंट में बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आइडेंटिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए. अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्री कंसेंट किसे कहते हैं. कंसेंट तो बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया. अब बताऊंगी आपको कि कंसेंट के आगे अगर फ्री है तो फ्री कंसेंट हम किसे बोलते हैं. देखिए, फ्री कंसेंट इसमें जो है हमें लॉ में पांच चीजें बताई गई है. अगर वो पांच चीजें नहीं होती हैं तब तो हमारी कंसेंट फ्री है, अदरवाइज हमारी कंसेंट फ्री नहीं है. वो पांच चीजें क्या होती है, सबसे पहले होता है आपका कॉरेशन, फिर होता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसके बाद है फ्रॉड, फिर मिसरिप्रेजेंटेशन और लास्ट में है आपका मिस्टेक. तो पांच कौन कौन सी चीजें हो गई, सबसे पहले कॉरेशन, दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा है आपका फ्रॉड, फोर्थ है आपका मिसरिप्रेजेंटेशन और फिफ्थ क्या है, मिस्टेक. अगर इन तरीके से आपकी कंसेंट नहीं ली गई है तो इट मीन्स वो फ्री कंसेंट है. और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट यूज की है तो इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. अब आप सोच रहे होंगे मैम ने हमें ये तो बता दिया कॉर्शन हो अनड्यू इन्फ्लुएंस इनके बारे में तो कुछ बताया नहीं. तो मैं आपको वन बाय वन करके बता रही हूँ. देखिए, सबसे पहले मैं आपको कॉरेशन के बारे में बताती हूँ. कॉरेशन क्या होता है, अगर हम दूसरे बंदे पे कोई धमकी देते हैं या उसे हम प्रेशर में रखते हैं, वो धमकी ऐसी होती है जो इंडियन पेनल कोड जो है जिसे फॉरबिड करता है. अगर हम धमकी दे के किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करा लेते हैं तो माना जाता है कि यहाँ पे कॉरेशन यूज हुआ है और ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीव पार्टी के
ऑप्शन पे जो है वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल का मतलब है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है और उसे रिटेन भी कर सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो और आपकी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख दे और कह दे भैया ये मोटरसाइकिल मुझे जो है आप जो है 10,000 की बेचोगे, तो आप सोचोगे भाई मरने से तो अच्छा ही कि मैं इसे अपनी मोटरसाइकिल 10,000 में बेच दूँ। तो आप उसकी धमकी में आके, क्योंकि उसने आपकी कनपट्टी पे क्या रख रखा है, गन रख रखी है, तो आप उसे 10,000 में अपनी मोटरसाइकिल बेच देते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, फर्स्ट पार्टी ने कॉरिशन यूज किया है, उसने आपको धमकी दी है और धमकी देके आपसे कसम को जो है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था उसे एक्सेप्ट कराया, तो माना जाएगा कि दूसरी पार्टी के ऑप्शन पे ये जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें एक बड़ा फेमस केस हुआ था रंगा नायकम वर्सेस अलवर सेठी। कौन सा हुआ था इसमें, रंगा नायकम वर्सेस अलवर सेठी। इसमें क्या था, पहले जो थी चाइल्ड मैरिज होती थी, तो ये उस टाइम का ही केस है। तो एक 13 साल की लड़की जो है विडो हो गई। अब उसके रिलेटिव ने उसे प्रेशराइज किया कि आप जो है एक हिंदू बच्चे को अडॉप्ट करोगे, नहीं तो हम आपके हस्बैंड की डेड बॉडी को यहाँ से उठने नहीं देंगे और उसे क्रीमेट नहीं करने देंगे। तो अब उस लड़की ने अपने हस्बैंड की बॉडी, जिससे कि वो क्रीमेट हो जाए, उस हिंदू बच्चे को जो है अडॉप्ट कर लिया। तो माना गया कि ये बिल्कुल गलत था, यहाँ पे जो है कॉरेशन का यूज़ हुआ था, क्योंकि अगर किसी के आप डेड बॉडी को नहीं उठाते हो या उसे क्रीमेट करने से मना करते हो तो इंडियन पैनल कोड में जो है वो ऑफेंस माना जाता है। तो इस केस में माना जाएगा कि उसने जो एडॉप्शन किया था वो उसको जो है वॉइड कर सकती है वो जो वीडियो थी। तो ये था आपका कॉरेशन। तो इसमें लीडिंग केस जरूर लिखिएगा, रंगा नायकम वर्सेज अलवर सेठी। अब सेकंड मैं आपको बताऊंगी अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि दो पार्टी होती है और दो पार्टी में इस तरह का रिलेशनशिप होता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी की जो विल है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है और उसकी विल को इन्फ्लुएंस करके वो उसे कोई अनफेयर एडवांटेजेस ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है आपका पापा हैं आपके, वो अपनी लड़की की मैरिज जो है अपने हिसाब से करना चाहते हैं और वो अपनी बेटी को जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते कहते हैं कि अगर तुमने इस लड़के से शादी नहीं करी तो मैं अपनी इस बंदूक से जो है ना अभी सुसाइड कर लूँगा। तो ऑब्वियस ये बात है जो गर्ल है वो अपने पापा को बचाने के लिए उसे एक्सेप्ट कर देती है। तो यहाँ पर माना जाएगा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। देखिए कॉरेशन में तो आप धमकी देते हो, उसे प्रेशर में लेके आते हो, और वो धमकी कैसी होती है जो इंडियन पैनल कोड में फॉरबिडन होती है। और अंडी इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि दो पार्टी की पोजीशन ऐसी होती है कि आप मॉरली जो है उसको जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके जो है अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। तो ये था आपका अंडी इन्फ्लुएंस। जैसे एक गुरु और शिष्य, इसमें भी माना जाता है कि अंडी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि एक शिष्य गुरु की बात मानकर कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाता है। आपने देखा ही होगा आजकल इतने सारे गुरु थे, पहले राम रहीम थे, आशा राम जी थे, अब तो वो जेल में है, तो जो उनके शिष्य थे उनके कहने पे जो है कुछ भी कर देते थे। तो इसी तरह का हम एग्जांपल लेते हैं, एक बार एक शिष्य ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है दान में कर दी अपने गुरु को, क्योंकि गुरु ने कहा था कि अगर आप सारी प्रॉपर्टी मेरे को दे दोगे तो आपको जो है मोक्ष मिल जाएगा और अगला जन्म आपका बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे माना गया कि गुरु जो थे अनड्यू इन्फ्लुएंस शिष्य को कर सकते थे, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था इन द हैंड ऑफ डिसिपल जो आपका शिष्य था। तो अनड्यू क्लियर हो गया, कॉरेशन में आप प्रेशर या धमकी लगाते हो, अनड्यू में आपकी रिलेशनशिप ऐसी है कि आप जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके उनसे काम करवा सकते हो। अब नेक्स्ट आता है आपका, पहले मैं बताऊंगी फ्रॉड। देखिए फ्रॉड तो आप सभी ने सुना होगा, फ्रॉड किसे कहते हैं, तो फ्रॉड का लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, अगर आप किसी को धोखा देने की नीयत से, तो आपने क्या चीज़ देखा, अगर आप किसी को धोखा देने की नीयत से जानबूझकर कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये चीज़ कहलाती है फ्रॉड। तो फ्रॉड में क्या हुआ, एक तो आपकी नीयत कैसी है कि दूसरे को मैं धोखा दूँ, दूसरा आप जानबूझ के कर रहे हो, अनजाने में नहीं जानबूझ के कर रहे हो, और आप किसी चीज़ को गलत ढंग से जो है प्रेजेंट करते हो और आपके बातों में आके दूसरा आदमी जो है वो उस पर वर्क करता है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि ये फ्रॉड है।
अगर फ्रॉड के हिसाब से आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी फ्री कंसेंट में नहीं आता है और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। देखिए एक एग्जांपल देखिए, एक फर्नीचर डीलर था, ठीक है, फर्नीचर डीलर के ने फर्नीचर में डीलिंग करता था। एक बार उसने देखा कि उसकी फर्नीचर में बहुत सारे क्रैक आ रहे हैं जिससे कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं, तो उसने उसमें क्या किया, पॉलिश कर दी और वो पॉलिश करने के बाद क्रैक छुप गए। अगर नॉर्मल व्यक्ति उसे देखेगा तो उसको बिल्कुल भी क्रैक पता ही नहीं चलेंगे। तो अब एक कस्टमर आता है, वो फर्नीचर को अच्छी तरीके से देखता है, क्योंकि अब जो क्रैक्स थे उन पर बहुत अच्छी पॉलिश हुई थी तो उसे पता नहीं चलता है, तो वो फर्नीचर उसे बेच देता है। जब वो यूज़ करता है तब कस्टमर को पता चलता है, अरे ये तो पुराना फर्नीचर है, इसमें तो बहुत सारे क्रैक आए हुए। तो यहाँ पे आप बताइए फ्रॉड था या नहीं था। तो आप देखिए जो मैंने फ्रॉड की तीन चार चीज़ें बताई हैं वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। एक तो उसने उसे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया, उसने कहा ये फर्नीचर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कोई क्रैक नहीं है। दूसरा उसने जानबूझ के किया। तीसरा उसने उसे धोखा देने के लिए किया कस्टमर को। तो यहाँ पे फ्रॉड के सारे एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो माना जाएगा यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं थी, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा, आपका आएगा इस पे मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए मिस रिप्रेजेंटेशन भी फ्रॉड से मिलता जुलता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन में आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन तो कर रहे हो लेकिन आपकी नीयत दूसरों को धोखा देने की नहीं होती और आप जानबूझकर ऐसा नहीं करते हो। तो फ्रॉड से थोड़ा कम सीरियस होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में भी आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हो और मिस रिप्रेजेंटेशन में भी करते हो, लेकिन फ्रॉड में आपकी नीयत गलत होती है और मिस रिप्रेजेंटेशन में आपकी नीयत गलत नहीं होती। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक पर्सन ने अपना होटल जो है दूसरे को बेचा। उसने कहा इस होटल का कुछ पार्ट एक टीनेंट के पास है, लेकिन ये टीनेंट बहुत ही क्रेडिबल है और टाइम से अपना रेंट दे देता है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या थी, जब उस टीनेंट पे हम बहुत प्रेशर करते थे तब वो हमें रेंट देता था, और ये बात जो थी होटल के मालिक को भी नहीं पता थी, तो होटल उसने खरीद लिया। तो इस केस में माना जाएगा कि उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन तो किया, क्योंकि जो है वो तो प्रेशर के बाद रेंट देता था और मालिक ने क्या कहा था कि ये बहुत अच्छा टीनेंट है, आराम से रेंट दे देता है, लेकिन उसकी जो इंटेंशन थी वो उसे धोखा देने की नहीं थी, ना ही उसने जानबूझकर किया था, क्योंकि वो तो खुद ही समझ रहा था कि ये टीनेंट बहुत अच्छा है। तो इट इज़ अ केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। अब लास्ट आता है आपका मिस्टेक। मिस्टेक में क्या होता है, आप कुछ और कह रहे हो और दूसरा व्यक्ति कुछ और समझ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो कार है, एक मारुति कार है और एक फीएट कार है। अब मैं अपने फ्रेंड को कार बेच रही हूँ। अब मेरे फ्रेंड को ये नहीं पता मेरे पे फीएट और मारुति दोनों कार हैं, वो उसे सिर्फ यही पता है कि मेरे पास मारुति कार है। मैं उसे बोलती हूँ कि आप मेरी कार 50,000 में खरीदोगे। मेरी इंटेंशन क्या है कि मैं फीएट कार की बात कर रहा हूँ। मेरे फ्रेंड कहते हैं हाँ हाँ मुझे दे दो 50,000 में, एक्सेप्टेड, और वो सोच रहा है कि मैं मारुति कार खरीद रहा हूँ मुझसे। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से मिस्टेक हो गई। मैं उसे फीएट कार बेच रही हूँ 50,000 में और वो समझ रहा है कि मैं मारुति कार खरीद रहा हूँ 50,000 में। तो इट वॉज ए एग्जाम्पल ऑफ मिस्टेक। तो जब दोनों साइड से मिस्टेक है तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, आइडेंटिटी ऑफ माइंड तो है ही नहीं, तो इस मीन्स यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, और जब फ्री कंसेंट नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। तो अब आपको फ्री कंसेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने देखिए आपको जो भी पॉइंट बताए हैं इसमें एग्जाम्पल जरूर बताए हैं, लीडिंग केस जरूर बताए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो तो जितने आप एग्जाम्पल डाल सकते हो उतने एग्जाम्पल आपको डालना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल आप तभी डाल सकते हो जब आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। उससे एक तो आपका क्वेश्चन भी लंबा होता है और ये क्वेश्चन बहुत इम्प्रेसिव भी बन जाता है। तो आई होप कि आपको कंसेंट अच्छे से समझ में आ गया, फ्री कंसेंट अच्छे से समझ में आ गया। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।